हेलो स्टूडेंट, इस सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं ज़ेनर डायोड के बारे में। ज़ेनर डायोड क्या होता है? ज़ेनर डायोड एक खास किस्म के पीएन जंक्शन डायोड होते हैं जो हेविली डोप्ड रहते हैं और रिवर्स बायस में एक्ट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते ज़ेनर डायोड इज हेविली डोप्ड PN junction diode which operates in reverse bias condition and in breakdown region। तो इसका मतलब क्या, अगर हम एक ज़ेनर डायोड को लेके उसको फॉरवर्ड बायस में उसको काम कराए तो फॉरवर्ड बायस में वो ऐसे ही काम करेगा जैसे कोई नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड काम करता हो, लेकिन वो उसका जो खासियत है वो खासियत दिखता है हमें ब्रेकडाउन रीजन पे। अगर हम उसको रिवर्स बायस कंडीशन में काम कराए तो हम देखेंगे कि रिवर्स बायस की वजह से क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर जो रहते हैं पी साइड पे वो मूव करता है टुवर्ड्स एन साइड। तो माइनॉरिटी कैरियर जो रहता है पी साइड की तरफ दैट इज इलेक्ट्रॉन वो मूव करता है एन साइड की तरफ, और माइनॉरिटी कैरियर जो रहते हैं एन साइड पे जो कि है होल वो मूव करता है टुवर्ड्स पी साइड की तरफ। अगर ये जो रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है वो अगर काफी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरफ का जो चार्ज होगा जो पी साइड पे जो एक्युमुलेटेड चार्ज और जो एन साइड में जो चार्ज रहने की वजह से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ग्रेडियंट का हो वो जितना होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होस्ट एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी साइड की तरफ वो उसको खींच के बाहर निकाल देते और वो टूवर्ड्स एन साइड आने लगते, राइट। तो दैट इज द ऑपरेशन अंडर द ब्रेकडाउन रीजन, और उसी रीजन पे हमारे ज़ेनर डायोड काम करते। इससे क्या मिलता है हमको, ये मिलता है कि एक काफी बड़ी वाइड रेंज ऑफ करंट के लिए जो वोल्टेज है वो फिक्स रहता है। तो ज़ेनर डायोड की जो करंट है वो डिपेंड करता है एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर और एक डिपेंड करता है कि डिसिपेशन पावर के ऊपर। अभी पावर डिसिपेटेड हम लिख सकते हैं पावर डिसिपेटेड बाय ज़ेनर डायोड that is P equal to VZ into IZ, जहां पे VZ है Zener वोल्टेज, VZ is Zener वोल्टेज और IZ है Zener करंट। तो ये एक पर्टिकुलर जो वोल्टेज है Zener वोल्टेज एक पर्टिकुलर रेंज से मिनिमम VZ से मैक्सिमम VZ तक ही ये ज़ेनर डायोड काम करती है, उसके बाहर वो ज़ेनर डायोड अपने रोल प्ले नहीं करती है। तो ज़ेनर डायोड को अपने हिसाब से ज़ेनर डायोड की तरह काम करने के लिए तीन चीजें काफी जरूरी होता है। नंबर वन कि जो ज़ेनर करंट होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम ज़ेनर करंट के बीच में रहे, VZ भी अपने रेंज पे रहे जहां पे ज़ेनर ऑपरेट करता है, जो हमारे जो ज़ेनर डायोड है वो हेविली डोप्ड हो और साथ में रिवर्स बायस कंडीशन। इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम ज़ेनर डायोड की बात कर रहे हैं। ज़ेनर डायोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की सर्किट सिंबल से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ेनर डायोड, दिस इज पी साइड और यह है एन साइड। पी साइड मतलब दिस इज एट नेगेटिव टर्मिनल और दिस इज एट पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ ज़ेनर डायोड, सो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ ज़ेनर डायोड। अभी ये जो हमारे P पावर डिसिपेट हुए ज़ेनर डायोड के वो डिफरेंट एलिमेंट के लिए वो डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू सकते हैं 150 मिलीवाट, किसी किसी मटेरियल के लिए होता है अबाउट 50 वाट। सिमिलरली जो ज़ेनर वोल्टेज होते हैं किसी किसी एलिमेंट के लिए होता है अबाउट 2.0 वोल्ट और किसी सेमीकंडक्टर के लिए होता है अबाउट 200 वोल्ट। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द पावर एज वेल एज द ज़ेनर वोल्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट। तो चलिए देखते हैं कि ये जो ज़ेनर करंट के साथ जो वोल्टेज का रिलेशन है वो किस तरह से है।
तो हम मान लेते हैं कि दिस इज आईवी प्लॉट, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज प्लस वी और ये माइनस वी, तो ये हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज वी एफ और ये हो गया वी आर रिवर्स वोल्टेज। अभी अगर फॉरवर्ड ये हो गया करंट प्लस आई ये माइनस आई, तो अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करें फॉरवर्ड वोल्टेज में डायोड जैसे बिहेव करता है ये ऐसे ही बिहेव करेगा, लेकिन अगर रिवर्स वोल्टेज की बात करें तो ये अप टू सर्टेन पोजिशन पे ऐसे आएगा फिर उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है जहां से ये पर्टिकुलर जो करंट है जहां से जेनर डायोड अपना काम स्टार्ट करती है चालू करती है वो जेनर डायोड के ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं उसको हम कहेंगे आई जेड मीन। तो इसका मतलब इसके बाद से जो हमारी जो करंट है जो जेनर डायोड है वो ऑपरेबल है वो ऑपरेट कर सकती है और मैक्सिमम करंट को हम कहेंगे आई जेड मैक्स। ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है इसको हम कहेंगे नी वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक ये काम कर सकती है उसको हम कहेंगे वी जेड जिससे हम पावर डिसिपेट कितना हुआ वो निकाल सके। तो ये जेनर डायोड का काफी एप्लीकेशन है जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर करंट रेंज है इतना करंट रेंज में जो चेंज ऑफ वोल्टेज होता है वो काफी कम होता है या वोल्टेज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है फॉर ए वाइड रेंज ऑफ करंट चेंज। जेनर डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर द वोल्टेज रेगुलेटर, वो एक काफी लंबी रेंज के लिए काफी लंबी करंट रेंज के लिए वो वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इस सेशन पे हमने देखा कि जेनर डायोड क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग जेनर वोल्टेज जेनर करंट पावर डिसिपेशन और आईवी रिलेशन कैसे होता है ये हमने उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि जेनर डायोड ऑपरेट कैसे करते हैं।